ये कहानी है मोहनगढ़ गांव की, जिसमें मीना अपनी बहू शीतल के साथ रहा करती थी। दोनों के पति की मौत एक दुर्घटना में हो गई थी, तो वहीं मीना की सहेली कोमल अपनी बहू सोनम और बेटे शिवम के साथ रहा करती थी। दोनों घरों के बीच एक गहरा संबंध था। ऐसे ही एक दिन, बहू अगर हमारे हालात ऐसे ही रहे तो कैसे चलेगा? पिछली बार बारिश की वजह से हमारी फसल बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन इस बार ना तो खास बारिश हुई है और ना ही फसल की सिंचाई कर पाए हैं। हम अपनी फसल पर ध्यान भी नहीं दे पाए हैं। अगर यही हाल रहा तो पैसे पैसे के मोहताज हो जाएंगे हम। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हर बार पापा जी और विवेक जी हमारी फसलों को संभाल लेते थे, लेकिन जब से वो हमें छोड़ कर गए हैं, तब से हमारे हालात बद से बदतर हो गए हैं। कोई बात नहीं बहू, भगवान हमारा इम्तहान ले रहा है, आज नहीं तो कल वो कोई ना कोई रास्ता जरूर ही दिखाएगा। माँ जी, हमें बहुत दिक्कत झेलनी पड़ रही है। वो हाँ, वो कोमल आंटी तो आपकी दोस्त है ना, तो वो एक दोस्त होने के नाते हमारी मदद जरूर करेंगी। आप उनसे मदद मांग कर देखिए। हाँ बहू, तू ये बिल्कुल सही कह रही है, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं, लेकिन मैं सोच रही हूँ वो मदद करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि तुझे पता है ना, एक समय था जब हमारी गहरी दोस्ती थी, मगर तेरे ससुर और मेरे बेटे के जाने के बाद उनका रवैया हमारे प्रति बहुत बदल गया है। उनसे मदद ना मांगना ही मुझे अच्छा लगता है। अरे आप उनके घर एक बार जाओ तो सही, देखे तो सही कि आखिर वो हमारी मदद करेंगी या नहीं। ठीक है बेटा, जब तक तू घर का काम कर ले तब तक मैं बात करके आती हूँ। मीना मदद मांगने के लिए कोमल के घर की ओर निकलती है। कोमल का घर मीना के घर से थोड़ी ही दूरी पर था। अरे वाह, माँ बेटे सब्जी धो रहे हो मिलकर, लगता है सब्जी मंडी का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ बहन, भगवान की कृपा से तो सब बढ़िया चल रहा है। तू बता, यहाँ कैसे आई? कुछ नहीं बहन, बस थोड़ी सी मदद चाहिए थी तेरी। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी सब्जियाँ लाकर बेचना शुरू कर दूँ। अच्छा तो काकी, हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी? बेटा वो ना, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, बड़ी उम्मीद से आई हूँ मैं तेरे पास। पैसे का नाम सुनकर तो शिवम और उसकी माँ का जैसे दम ही सूख जाता है, और शिवम झूठ बोलते हुए मीना से कहता है, ओ काकी आप तो गलत समय पे आ गई। अरे थोड़ी देर पहले आई होती ना तो मैं आपको पैसे दे देता। अभी सब्जी वाला आकर पैसा ले गया है, अगर आप थोड़ी जल्दी आई होती ना तो मैं आपको पैसा दे चुका होता अब तक। कोई बात नहीं बेटा, मैं कहीं और से इंतजाम करती हूँ। देख मीना, ऐसा तो बिल्कुल मत सोचियो कि मैं तुझे पैसे नहीं देना चाहती। अरे मैं तो पैसे देना चाहती थी, बस तू थोड़ा लेट कर दिया आने में, मैंने तो किसी और को दे दिए। अरे नहीं नहीं कोमल बहन, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। मीना दोनों माँ बेटों की चाल को अच्छे से समझ रही होती है, लेकिन बेचारी करती भी क्या, अपना सा मुँह लेकर वापस घर आ जाती है। अरे माँ जी आप आ गई, पैसों का कुछ इंतजाम हुआ क्या? क्या बताऊँ बड़ी बहू, उन दोनों माँ बेटे ने बड़ी ही होशियारी के साथ मेरी मदद करने से मना कर दिया। अपने आप को वो लोग बड़े ही होशियार समझते हैं, उन्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ जो उनकी चाल मुझे समझ नहीं आएगी। मुझे लगा था कि वो हमारी मदद कर देंगी और उनकी मदद से हम अपना कोई छोटा सा काम शुरू कर देंगे, जैसे कि सब्जी बेचने का। देखते हैं अब भगवान ही कोई रास्ता दिखाएंगे। अगली सुबह शीतल बाल्टी लेकर पानी लेने कुएं की ओर जाती है। जैसे ही बाल्टी कुएं में डालती है तो धम जैसे आवाज आती है। तभी वो घूम कर देखती है कि कुआं तो सूखा पड़ा था। ये देख वो काफी परेशान हो जाती है।
और कुछ ही देर में वो अपनी सास के पास जाती है और माँ, कुआं तो बिल्कुल खाली पड़ा है। अब हमारे पास ना तो पीने को पानी है और ना ही कुछ बनाने के लिए। कुआं भी सूख गया है और ये जमीन भी सूख गई है। क्या करूं भगवान, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। माँ जी, आप परेशान मत होइए, हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेंगे। अपनी सास की उदास भरी बातें सुनकर शीतल उसे हौसला देती है और आगे वाले गांव से पानी ला रही होती है। तभी उसे रास्ते में दो व्यक्ति जमीन खोदते हुए दिखाई देते हैं, जहां उस जमीन से काफी पानी निकल रहा होता है। कुछ समय बाद शीतल घर आती है तो मीना से कहती है, माँ जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम अपनी जमीन की खुदाई कर लें। लेकिन बहू, खुदाई के लिए तो बहुत पैसे लगेंगे ना, क्योंकि जमीन खोदने वाला 2-3 दिन लगा ही देता है काम करने में, वो तो काफी पैसे लेगा ना। माँ जी, बात तो आपकी सही है। शीतल सोच में पड़ जाती है और थोड़ी देर में मीना से कहती है, ऐसा करते हैं, हम दोनों मिलकर खुद ही खुदाई शुरू कर देते हैं, क्या पता भगवान की दया से पानी निकल ही जाए। कह तो तू सही रही है, मगर खुदाई तो रात में ही करनी पड़ेगी ना। ठीक है माँ, ऐसा करते हैं, खाना पीना खाकर हम खुद ही इसे खोदना शुरू करते हैं। दोनों सास बहू अपनी जमीन को खोदना शुरू करती हैं और देखते ही देखते 8 से 10 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें पानी नजर नहीं आता। और अगली सुबह जब शीतल काम करके उस गड्ढे में जाती है जो उन्होंने खोदा था, तो वहाँ बैठकर कहती है, हे भगवान, हम पर अपना चमत्कार कर दे और हमारे कुछ कष्ट कम कर दे। ये पानी कहाँ से निकल आया अचानक से, और इसमें कैसी अजीब सी सुगंध आ रही है। जैसे ही शीतल हाथ में लिया पानी सूंघती है, ये तो पेट्रोल है, लेकिन जमीन से पानी की जगह पेट्रोल, ये तो चमत्कार हो गया। मैं अभी जाकर माजी को बताती हूँ, उन्हें बताती हूँ कि भगवान ने हमारी सुन ली है। शीतल तुरंत जाकर मीना को सारी बातें बता देती है और तभी मीना कहती है, क्या तू ये सच कह रही है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारी बंजर जैसी जमीन से पेट्रोल निकल सकता है। माँ, अब हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि क्योंकि भगवान ने हमारी सुन ली। हम आज रात को ही थोड़ी और खुदाई करेंगे ताकि पेट्रोल और ऊपर आ जाए। ठीक है बहू, मगर ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि लोग फिर हमसे जलने लगेंगे। दोनों रात होते ही फिर से खेतों में जाकर नीचे गड्ढे में जाती हैं और खुदाई करना शुरू करती हैं। कुछ ही मिनटों के बाद वो देखती हैं कि बहुत सारा पेट्रोल आना शुरू हो गया है और वो दोनों बाहर निकलकर एक दूसरे को गले लगाकर खुश होती हैं। माँ जी, एक काम करते हैं, हम इस पेट्रोल का सप्लाई शुरू कर देते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा, रात में किसी को कानों कान खबर नहीं होगी और हम पेट्रोल बेच के पैसे भी कमा लेंगे। कुछ ही देर बाद मीना के घर कोमल और सोनम आती हैं। मीना, ओ मीना, किस कोने में घुसी पड़ी है तू? अरे तू है क्या, आजा अंदर घर में आजा। नहीं, मैं तो ऐसे ही आ गई वैसे तेरा हालचाल पूछने। वैसे एक बात बोलूं, पूरा मत मानियो, मैं जब भी तेरे घर आती हूँ ना, मेरा दम घुटता है। हाँ काकी, वो क्या है ना, हमें आदत नहीं है छोटे घर में रहने की। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकती हूँ, तुम बड़े घर में रहने वाले हो और हम इस छोटे से घर में रहने वाले लोग हैं। कोई बात नहीं सोनम, कुछ ही दिन में हम भी एक बड़ा सा घर लेंगे, तब तुम हमारे घर आना। अरे शीतल बहू, कौन सी लॉटरी लगने वाली है तेरी? यही समझ लो, लॉटरी ही लग गई हमारी। अरे इसकी तो आदत है ये सब कहने की, कोई लॉटरी नहीं लगने वाली है, बस ऐसे ही मजाक कर रही है ये। इतना कहकर
सोनम और कोमल वहां से चली जाती हैं। ये दोनों सोचती हैं शीतल का दिमाग घूम गया हमारे ताने सुनकर। उसी रात दोनों पेट्रोल बेचने का काम करती हैं। शीतल बेच कर आती है तो वहीं मीना उसे कैन में भर कर पेट्रोल देती है। कुछ ही दिन ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और उनके पास अच्छे खासे पैसे आने शुरू हो जाते हैं। समय बीतता है। ऐसे ही एक दिन शीतल अपने लिए सोने की चेन बनवा लेती है। बहू एक काम कर, धोबी घाट जाने से पहले ये चेन उतार दे, अगर किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो माँ जी क्या हो गया, अगर मैं इसे पहन कर बाहर गई और लोगों ने मुझे देखा तो इसमें दिक्कत ही क्या है? बहू मैं जितना कह रही हूँ तो बस उतना ध्यान दे, इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। ठीक है माँ जी, मैं जाते वक्त उतार कर चली जाऊंगी। शीतल घाट पर चैन पहने ही चली जाती है और वहाँ कपड़े धोते हुए गांव में रह रही शीतल की दोस्त सीमा की नजर शीतल की चेन पर पड़ती है। तभी सीमा कहती है, अरे शीतल, तेरे गले में जो चैन है बड़ी चमक रही है, लगता है बड़ी महंगी है, कम से कम 100 रुपए की तो होगी ना? सीमा बहन पागल हो गई हो क्या, ये चैन असली सोने की है, पूरे 20,000 की है। क्या 20,000 की चैन? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, तेरे पास आई कहाँ से ये चैन, वो भी इतनी महंगी, कहीं चोरी किया क्या तूने? शीतल सीमा को सारी बातें बताती है। वहीं पीछे खड़ी हुई सोनम दोनों की सारी बातें सुन रही होती है। तभी थोड़ी देर बाद जाकर अपनी सास और शिवम शीतल की सारी बातें बता देती है और तीनों के मन में उनकी जमीन खरीदने का लालच आ जाता है। सोनम और कोमल शाम में मीना के घर जाते हैं। क्या बात है मीना, तेरी बहू ने सोने की चैन पहनी हुई थी, क्या बात है, कोई लॉटरी लग गई है क्या? अरे अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, शीतल ने जो चैन बाजार में खरीदी थी ना, वो नकली है, बस सोने जैसी दिखती है। दोनों सास बहू मीना को ये पता नहीं लगने देती कि उन्हें सब पता चल गया है। मीना तू एक काम कर, अपनी ना जमीन बेच दे, तुझे पैसों की भी जरूरत है, तेरा काम भी हो जाएगा और मैं उस जमीन पे कुछ बनवा भी लूंगी। अरे नहीं, मुझे अब पैसे की जरूरत नहीं है, जैसे तैसे हम अपना खर्चा चला रहे हैं, तो तुम हमारी फिक्र मत करो। अरे फिक्र की क्या बात है, तू तो मेरी सहेली है ना, इस जमीन के मैं तुझे बहुत मोटे पैसे दूंगी और तू आराम से अपना कारोबार खोल सकती है। मगर मैं इसे बेचना नहीं चाहती, ये मेरे पुरखों की निशानी है। ठीक है आगे तेरी मर्जी, लेकिन बाद में पछताइयो मत कि इतना अच्छा सौदा मिल रहा था और तूने उसे ठुकरा दिया। चलो माँ अपने घर चलते हैं। दोनों अपने घर चली जाती हैं। वहीं मीना शीतल को डांट लगाती है कि उसके मना करने पर भी वो बाहर चेन पहन कर क्यों गई थी। ऐसे ही दूसरी तरफ कोमल अपने बहू बेटे के साथ मिलकर जमीन खरीदने की प्लानिंग करती है और वहीं मीना और शीतल पेट्रोल निकालने गड्ढे में जाते हैं और हर दिन की तरह उसे बेच आते हैं। नमस्ते काकी। नमस्ते बेटा, कैसे हो, आज यहाँ का रास्ता कैसे याद आया? अरे काकी कैसी बात कर रही हो, अरे आप भी तो मेरी माँ जैसी हो। वैसे इस दुनिया में कभी ऐसा हुआ है कि बच्चा अपनी माँ को भूल जाए? नहीं ना, तो मैं आपको कैसे भूल जाऊँ। वैसे काकी एक खुशखबरी है, मैंने गाड़ी खरीदी है, लेकिन एक दुख खबरी भी है, मेरा मतलब कि एक मतलब दिक्कत भी है कि किस्तों पे ली है, अब उसके लिए किसी गवाह के साइन चाहिए, अब मैं गवाह कहाँ से लाता। तो फिर मुझे याद आया कि आपके अलावा हमारा अपना है ही कौन, तो आप ना इन कुछ पेपर्स पे साइन कर दीजिए। अरे मना मत कीजिएगा, क्योंकि आप भी मेरी माँ जैसी हो और मैं अपनी माँ से इतना तो चाह ही सकता हूँ ना। मीना और उसकी बहू पढ़ी लिखी ना होने के कारण शिवम धोखे से उस पेपर पर साइन करा लेता है और मीना भी शिवम की बातों में आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद कोमल अपने बेटे के साथ
आती है मीना के घर। मीना, ओ मीना, चल बाहर निकल यहाँ से। बहुत ऐश कर ले तूने इस जमीन पे। अब ये जमीन मेरी हुई। कोमल बहन, तू ये सब क्या बोल रही है? होश में तो है ना तू? कि तू आखिर कह क्या रही है? कौन सी जमीन, कैसी जमीन? ये मेरी जमीन है और मैंने तुझे ये जमीन देने से मना कर दिया था, तो अभी तेरी जमीन कैसे हो गई? काकी, ओ काकी, ओ बहरी हो गई है क्या बुढ़िया? सुनाई नहीं देता तुझे? तू सही कह रहा हो। चल निकल यहाँ से। और क्या बार बार पूछ रही है मेरी कैसे हो गई, मेरी कैसे हो गई? अरे खुद ही तो साइन किया था, भूल गई क्या? अच्छा मुझे अब समझ आया, तुमने जो उस दिन मुझसे साइन करवाए थे वो मेरे घर के कागजात थे। शिवम, तुम गिरे हुए लोग तो थे, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतने नीचे गिर जाओगे। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था। कभी नहीं सोचा था? चलो कोई बात नहीं, अब सोच लेना, ठीक है? अब चुपचाप से निकलो वरना धक्के मार के निकाल दूंगा। शिवम उन्हें घर से बेघर कर देता है। मीना वहीं पास में बहू को लेकर एक घर में रहने लगती है। और जब रात में शिवम पेट्रोल लेने जाता है तो देखता है पेट्रोल तो है ही नहीं, वहाँ सारा सूखा पड़ा है। सब मिलकर थोड़ा और खोदना शुरू करते हैं, लेकिन आखिर में सब थक हार कर हार मान जाते हैं। और अगली सुबह कोमल मीना के पास जाती है और उसके घर की चाबी देते हुए कहती है, ये ले बहन अपनी जमीन के कागज और तेरे घर की चाबी। मुझे माफ कर दे, मैं तेरी जमीन के लालच में थी और मुझे कल रात में ये एहसास हुआ कि नहीं ये सही नहीं है। कोई नहीं, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए यही काफी है। अपनी बहू के साथ वापस अपने घर में जाती है और इस बार दोनों मिलकर कोमल को सबक सिखाने की सोचती हैं। शाम में खेत में जाकर सूखे गड्ढे में पेट्रोल डाल देते हैं और जानबूझकर गांव में पेट्रोल निकलने की अफवाह फैला देते हैं। ये खबर सुनकर तो कोमल और उसके बेटे के होश उड़ जाते हैं और वो मीना के घर जाते हैं और मीना बड़ी चालाकी से उन्हें सबक सिखा देती है। मीना, मैंने सुना है तेरे खेत में पेट्रोल निकल रहा है। हाँ बहन, सही सुना है, मेरे तो भाग ही खुल गए हैं, लेकिन अब क्या ही फायदा, हम तो कल की ही ट्रेन से शहर जा रहे हैं। देख तो तू ऐसा कर, ये जमीन मुझे बेच दे, ठीक है? और मैं ना इसकी देख रेख भी कर लूंगी, और जब तेरा मन करे तू आ जाइयो। ठीक है, जब तू इतना कह ही रही है तो वैसे ही हम तो पुराने दोस्त हैं। मीना अपनी जमीन की मोटी रकम में कोमल को बेच देती है और कोमल लालच में आकर अपना घर और कार सब बेचकर मीना को पैसे दे देती है। मीना अगले दिन अपनी बहू को लेकर शहर चली जाती है। वहीं उस रात तो पेट्रोल देख तीनों कैनों में भरना शुरू करते हैं। फिर अगली सुबह जब खेत में जाकर गड्ढे के अंदर देखते हैं तो वहां सूखा पड़ा मिलता है। मिलकर जब खुदाई करने लगते हैं, लेकिन पत्थर के अलावा जमीन से कुछ नहीं निकलता, सर पटक कर बैठ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।